नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के बारे में। जब हम भारत के आजादी के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार इस मूवमेंट को ओवरलुक कर दिया जाता है या फिर हम बस इसमें एक या दो फैक्ट याद कर लेते हैं कि इससे हमारा काम हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये मूवमेंट था, मैक्सिमम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो थोड़ा आज इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। खान अब्दुल गफार खान के बारे में बताऊंगा मैं आपको और अल्टीमेटली इस मूवमेंट के साथ क्या हुआ आजादी के बाद वो भी जानना काफी जरूरी है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए जो कोर्स है अब वो एक स्मार्ट कोर्स के रूप में उपलब्ध है ऑन द स्टडी आईक्यू ऐप। तो जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और अप्रैल एंड तक अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो यहां पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल मिलेगा आपको। खुदाई खिदमतगार एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था। इट वॉज अ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में चलाया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान एनडब्ल्यूएफपी प्रांत यानी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, अफगानिस्तान वाली जो सीमा है उसके पास वाले इलाके को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, जिसे पंजाब से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया था। कौन से वाइसरॉय ने यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इस एनडब्ल्यूएफपी प्रांत में मेजोरिटी ट्राइबल्स यानी कि पठान पश्तून रहते हैं और इन्हीं पश्तूनों के बीच में एक सोशल मूवमेंट की तरह शुरुआत करी थी इस आंदोलन की अब्दुल गफार खान ने। तो ये वहां के एक व्यक्ति थे, लोकल उसी एरिया के व्यक्ति थे और इनको कई बार खान अब्दुल गफार खान भी कहा जाता है क्योंकि ये जो पहला खान है ये एक टाइटल है, एक तरह की उपाधि होती है। जो लोकल वहां पर लैंडलॉर्ड होते थे, एक तरह से जमींदार होते थे, उन्हें खान कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफार खान को लोकली बच्चा खान या बादशाह खान भी कहा जाने लगा और बाद में इनको उपाधि दे दी गई फ्रंटियर गांधी की। जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं एनडब्ल्यूएफपी आई है उसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं यहां पर। तो आज ये आता है पाकिस्तान में, मॉडर्न डे पाकिस्तान कंट्री में, और पाकिस्तान के अंदर ये एरिया है बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज जिसको खैबर पख्तूनख्वा स्टेट कहा जाता है केपी के, और उसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इस बॉर्डर से बिल्कुल अटैच्ड हैं, उन्हें कहा जाता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज FATA। और इन एरियाज में आज भी ट्राइबल लॉ ज्यादा डोमिनेंट है। पाकिस्तान सरकार ने इन्हें एक तरह की ऑटोनॉमी दे रखी है इन एरियाज में कि वहां पर ट्राइबल लॉ चल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है पाकिस्तान सरकार को। ज्योग्राफिकली अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो यहां पर पहाड़ी एरियाज हैं और इन वैलीज में पहुंचना भी मुश्किल होता है, इसीलिए ये पूरा इलाका जो है हमेशा पिछले 20 सालों से अलकायदा या तालिबान के लिए छुपने की सबसे बेस्ट जगहों में से एक बना रहा है। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की शुरुआत एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह हुई थी। 1921 में अब्दुल गफार खान ने अंजुमन इस्लाह अफगानिया नाम की एक संस्था या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, जिसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ अफगान्स। तो मेन फोकस इनका शुरुआत में था एजुकेशन, कई स्कूल्स खोले जहां पर साइंस मैथ्स की पढ़ाई होती थी। खान अब्दुल गफार खान वॉज हिमसेल्फ एजुकेटेड एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उन्हें पता था कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा इनिशियल फोकस था ब्लड फ्यूड्स को रोकना। तो ऐसा होता था कि दो परिवार या दो क्लैंस में, दो कबीलों में कोई रंजिश हो गई, कोई झगड़ा हो गया और वो कई सालों तक चल रहा है। तो जैसे किसी के बाप को मार दिया गया तो बेटा बोलेगा कि मैं उस सामने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को मार दूंगा, तो इस तरह की कस्में खाकर लोग पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई में निकाल देते थे। तो ये ब्लड फ्यूड्स रोकने का काम उन्होंने किया, लोगों से जा जाकर बात करी कि ये पुरानी रंजिशें हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा इसे बंद करो और एजुकेशन की तरफ ध्यान दो। 1927 में इन्होंने एक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया अंजुमन जमींदारा। 1928 में एक मैगजीन की शुरुआत करी पख्तून, जिसका नाम था, काफी इंपॉर्टेंट है इसको हाईलाइट कर लेना, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो देखते ही देखते कुछ सालों में इनके मूवमेंट में लगभग 100,000 लोग शामिल हो गए इस सोशल मूवमेंट में। कई स्कूल्स चालू किए गए, पॉवर्टी रिलीफ वर्क किया गया और इनके जो फॉलोअर्स थे इनकी खास बात ये थी कि ये लाल शर्ट्स पहनने लग गए थे। अब एग्जैक्टली ये किस समय हुआ है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है कहीं पर, बट समवेयर अलॉन्ग द लाइन इनके फॉलोअर्स लाल शर्ट पहनने लगे और इसीलिए इनको कहा जाने लगा रेड शर्ट्स या सुर्ख पोश, जैसे कहते हैं ना सुर्ख लाल रंग है, तो ये सुर्ख पोश इन्हें कहा जाने लगा। बाद में जब महिलाएं इस मूवमेंट से शामिल हुई पॉलिटिकली तब वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनती थी। तो रेड शर्ट ये बेसिकली दुनिया में जहां पर भी ये शर्ट्स का कलर का फंडा कहा जाता है, ये मुसोलिनी से आइडिया लिया था सभी ने। मुसोलिनी ने इटली में ब्लैक शर्ट्स नाम का एक अपना पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था, तो उसी को लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में कॉपी करते हैं, चाहे वो एक कलर की पैंट पहनते हो या एक कलर के शर्ट पहनते हो। तो अब कई देशों में, कई खास करके कम्युनिस्ट कंट्रीज में आपको इस तरह के रेड शर्ट ग्रीन शर्ट नाम के ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे। कमिंग बैक टू खुदाई खिदमतगार, 1929 आते आते अब्दुल गफार खान पॉलिटिकल सपोर्ट ढूंढने लगे थे। उन्होंने जाकर कांग्रेस के कुछ नेताओं से मीटिंग करी, मुस्लिम लीग के नेताओं से भी मीटिंग करी कि हमारे इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को आप पॉलिटिकली सपोर्ट करिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमें काम करने से रोक रही है और हमारे जो एरियाज हैं एनडब्ल्यूएफपी इस इलाके में कई प्रॉब्लम्स हैं, ब्रिटिश सरकार ढंग से काम नहीं करती है। तो मुस्लिम लीग ने तो इनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, हमारा एक डेलीगेशन आकर देखेगा वहां पर क्या हालात हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं। तो एक डेलीगेशन जब भेजा जा रहा था तो इसे ब्रिटिशर्स ने रास्ते में रोक दिया।
उन्हें पेशावर पहुंचने ही नहीं दिया और साथ ही साथ अब्दुल गफार खान और उनके अन्य कई साथियों को अरेस्ट कर लिया। तो इन दोनों चीजों को प्रोटेस्ट करने के लिए खुदाई खिदमतगार के हजारों लोग इकट्ठा हुए किस्सा खवानी बाजार पेशावर में, जो कि पेशावर का एक काफी ऐतिहासिक मार्केट है। और 23 अप्रैल 1930 के दिन की ये बात है जब यहां पर पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी और लगभग 200 लोग यहां मारे गए। तो 200 नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स मारे गए थे, ये काफी एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसके बाद से खुदाई खिदमतगार एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में उभर कर सामने आने लगा। तो सोशल के साथ साथ अब पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गया था। अब्दुल गफार खान ने पूरे एरिया में अपने नेटवर्क को स्थापित करने के लिए कुछ कमिटीज बनाई जिनको कहा गया जिरगा। जिरगा एक पाश्तो शब्द है जिसको जो डिनोट करता है ट्राइबल काउंसिल को। तो जो भी इंपॉर्टेंट काउंसिल होती है उसको जिरगा कहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में आज भी जो उनकी पार्लियामेंट का लोअर और अपर हाउस है उसका नाम है मिश्रानो जिरगा और वोलेसी जिरगा। सो ये ट्रेडिशनल नेम्स है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा या राज्यसभा कहा जाता है। तो जिरगा इज बेसिकली जस्ट असेंबली। तो 1931 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट फॉर्मली एसोसिएट हो चुका था। उन्होंने फॉर्मली अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्ट लिया काफी बढ़ चढ़कर, और इस तरह से ये राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। अब्दुल गफार खान के कांग्रेस लीडर्स के साथ अच्छे संबंध थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके साथ इनके अच्छे पर्सनल टर्म्स थे। और खास करके गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके को ये पूरी तरह से अपनाते हुए इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुदाई खिदमतगार वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, बिकॉज हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पर पश्तून एक गन कल्चर है, यानी कि वहां पर लगभग हर आदमी गन कैरी करता है और ये उनका कल्चर है, इट्स पार्ट ऑफ अ कल्चर, और आज भी ये चला आ रहा है। आप चाहो तो खुद सर्च करके देख सकते हो कि जो केपीके वाला इलाका है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पर आज भी बंदूकों की मंडियां लगती है जहां पर आप जाकर कोई भी बंदूक खरीद सकते हो। तो ये जो कल्चर है इसके बावजूद एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाना इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर, इट इज नॉट अ स्मॉल फीट। अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आप लोग मुझे इनका नाम बता सकते हो? इस फोटो में जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम जो भी मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में उसको मैं एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दूंगा। अब 1930 के बाद खुदाई खिदमतगार एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था, पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। तो 1937 का जो इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल इलेक्शंस, उसमें इन्होंने चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए और यहां पर अपनी सरकार बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर। इनफैक्ट 1937 और 46 दोनों इलेक्शंस में इनकी जीत हुई थी और यहां पर इन्होंने सरकार बनाई थी। चीफ मिनिस्टर बने प्रांत के खान अब्दुल जबार खान, जो डॉक्टर खान के नाम से भी फेमस थे। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ खान अब्दुल गफार खान। और ये सरकार इन्होंने चलाई 2 साल तक, क्योंकि 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था वर्ल्ड वॉर टू के कारण। लेकिन अब 1930 के बाद ब्रिटिश सरकार का इनके प्रति जो रवैया है वो बहुत तेजी से बदल गया, क्योंकि ये जब पॉलिटिकल हुए तो ब्रिटिश सरकार ने इनके मेंबर्स को हैरास करना शुरू किया, अब्यूज करना शुरू किया, कई बार अरेस्ट करके महीनों महीनों तक जेल में रखा जाता था, फिजिकली वायलेंस उनके खिलाफ किया जाता था, कई गांवों को पूरी तरह से बॉम्ब किया गया। अगर उन पर डाउट है कि जैसे इस गांव में सभी खुदाई खिदमतगार सपोर्टर हैं, तो पूरे के पूरे गांव पर कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग करी जाती थी, और साथ ही साथ रिलीजियस परसिक्यूशन भी होने लगा। और ये सारी स्ट्रेटेजीज चली थी 1939 तक, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने वही अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां पर अपनाई। और ये सारी बातें बाय द वे उस समय के ब्रिटिश गवर्नर कनिंगम, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गवर्नर था, उसने अपनी किताब में ये बात लिखी थी कि हमने वहां पर जो कंजर्वेटिव उलेमाज हैं उन्हें ये कहा कि आप खुदाई खिदमतगार के खिलाफ बात बोलना शुरू कर दो, और जितने भी कंजर्वेटिव लैंडलॉर्ड्स थे, जो खान्स थे बड़े बड़े, उनको इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपको अब्दुल गफार खान का विरोध करना है और ये जो सोशल रिफॉर्म है ये सब इस्लाम के खिलाफ है, तो ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं आपके ट्रेडिशंस के, आपके कल्चर के खिलाफ हो रहे हैं, तो इनका विरोध करो और पॉलिटिकली और सोशली दोनों तरह से इनका बॉयकॉट करो। और धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजी काम करती गई, क्योंकि 1940s आते आते एक बहुत बड़ा तबका जो सोशली कंजर्वेटिव था वो बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ था, लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ था, तो उसने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का साथ देना छोड़ दिया और दामन थाम लिया किसका, मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग को भी यहां पर बढ़ावा देने के पीछे ब्रिटिश सरकार का ही पूरा रोल था। अब 1940 के दशक में भारत में मुस्लिम लीग पाकिस्तान देश बनाने की डिमांड कर रही थी कि भारत का विभाजन किया जाए और पाकिस्तान अलग देश बने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। खुदाई खिदमतगार और अब्दुल गफार खान इस प्लान के पूरी तरह से विरोध में थे। उन्होंने कहा हमें पार्टीशन नहीं चाहिए, वी आर गुड विद इंडिया, हमें तो आजादी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने उनके इस पॉलिटिकल स्टैंड का इस्तेमाल किया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में ये कहकर कि ये पाकिस्तान यानी कि एक इस्लामिक देश के स्थापना के खिलाफ है, तो दे आर एंटी इस्लाम, और इस तरह से इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना ली पूरे एरिया में। लेकिन 1947 आते आते कांग्रेस भी विभाजन के ऊपर एग्री कर गई और देश का बंटवारा हो गया और देश को आजादी मिल जाए, ऐसा प्लान अप्रूव कर दिया गया। ऐसे में खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान ने कहा कि हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, हमारी इजाजत के बिना हमें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, और हमें ये बंटवारा मंजूर नहीं है। और उन्होंने गांधी जी को ये कहा था बहुत फेमसली कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, कि आपने हमें भेड़ियों के लिए सामने खुला छोड़ दिया है और ये गलत हुआ है।
माउंटबेटन प्लान आने के बाद जब ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, तो उस समय खुदाई खिदमतगार ने कहा कि हमें भी एक अपना तीसरा देश दे दो, पश्तूनिस्तान। इसमें जो आज का अफगानिस्तान का एरिया है जहां पश्तून रहते हैं, प्लस आज का जो पाकिस्तान का एरिया है जहां पश्तून रहते हैं, वो पूरा एक कंट्री बना दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इस डिमांड को तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये ऑप्शन जरूर दे दिया कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हो या भारत ज्वाइन करना चाहते हो, ये आप तय कर सकते हो। तो इसके लिए एक रेफरेंडम करा देंगे, वोटिंग करा देंगे। तो याद रखिए, जूनागढ़ अकेली जगह नहीं थी जहां पर वोटिंग कराई गई हो, रेफरेंडम NWFP में भी हुआ था। तो यहां पर खुदाई खिदमत गार्ड फिर से बोले कि नहीं, हमें तो दो और ऑप्शन चाहिए, हमें या तो पश्तूनिस्तान बनने का ऑप्शन दो इंडिपेंडेंस, या फिर अफगानिस्तान ज्वाइन करने का ऑप्शन दो, क्योंकि वहां पर पश्तून आबादी ज्यादा है, वी आर हिस्टोरिकली एंड कल्चरली मोर क्लोज टू अफगानिस्तान। तो उन्होंने इस पूरे वोट को बॉयकॉट किया और रिजल्ट ये रहा कि 99% लोगों ने इस वोट में, इस रेफरेंडम में पाकिस्तान ज्वाइन करने की बात कही। और ये वोट कितना सही से ऑर्गेनाइज हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर आज भी डाउट्स हैं, क्योंकि NWFP बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो इतने जल्दबाजी में तुरंत इतना बड़ा रेफरेंडम कैसे हुआ, अभी तक इसके बारे में डाउट्स रेज किए जाते हैं। कुल मिलाकर अगस्त 1947 में पाकिस्तान एक नया देश स्थापित हो गया, और सितंबर में खुदाई खिदमतगार दे सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल, और उन्होंने कहा, ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हम पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान स्टेट को सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट खान अब्दुल गफार खान ने खुद ये शपथ ली कि मैं यहाँ की जो असेंबली होगी उसका मेंबर बनूंगा और पॉलिटिकली हम सपोर्ट करेंगे, चाहे हम पहले भारत के फेवर में थे, लेकिन अब आज की सच्चाई ये है कि हम पाकिस्तान में हैं, तो वी विल सपोर्ट दिस कंट्री विच वी आर पार्ट ऑफ। इतना कुछ कहने के बावजूद पाकिस्तान की नई नवेली सरकार खुदाई खिदमतगार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। इन्होंने सबसे पहला काम ही यही किया कि खुदाई खिदमतगार की जो लोकल गवर्नमेंट थी NWFP में, उसे सस्पेंड कर दिया गया। रीजनल गवर्नमेंट को, वहां पर चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल जबार खान, उन्हें हटा दिया गया। और पूरे मूवमेंट को इस नजर से देखा जाता था कि ये वो लोग हैं जो भारत का सपोर्ट करते थे, कांग्रेस का सपोर्ट करते थे और पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे। तो इसीलिए खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को ही बैन कर दिया गया 1948 में। बादशाह खान को डाल दिया गया जेल में और वो अपनी जिंदगी के लगभग बाकी पूरे समय जेल में रहे, ऑलमोस्ट 25 साल कुछ वो जेल में रहे। अगले 1958 में अब्दुल जबार खान यानी बादशाह खान के छोटे भाई को गोली मार दी गई। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की कोशिश हुई थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि अब्दुल गफार खान सरकार में आ जाए, मंत्री बना देंगे, इस तरह की ऑफर भी हुई उन्हें, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ये मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने इसे कई सालों तक बैन रखा था। ऑफिशियली 1972 में बैन हटा दिया गया, लेकिन अब उसके बाद कोई मतलब नहीं रहा, ये मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हालांकि उनके बेटे ने 1986 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अवामी नेशनल पार्टी, और 2008 में ये पार्टी अगेन केपी के प्रोविंस में रीजनल इलेक्शंस जीत भी गई थी अंडर हिज ग्रैंडसन। इन्होंने इमरान खान की पार्टी को हराया था, फिर 2013 में फिर से इमरान खान की पार्टी ने इनको हरा दिया। तो अभी भी वो फैमिली पॉलिटिक्स में एक्टिव है, बट अब वो दबदबा नहीं है जो उस समय हुआ करता था। फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान का बाकी का पूरा जीवन पाकिस्तान की जेलों में बीता। 1948 में ही इन्हें पाकिस्तान सरकार ने जेल में डाल दिया, कोई रीजन नहीं दिया गया। रीजन ऑब्वियस था यही कि अगर ये बाहर रहेंगे तो फिर से एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला सकते हैं, एक अलग पश्तूनिस्तान की डिमांड कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान सरकार रिस्क नहीं करना चाहती थी। इन्हें बस कुछ समय के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जब लेना होता था तब बाहर जाने की अनुमति मिलती थी, बाकी ये पूरा समय जेल में रहे या फिर अपने ही घर में हाउस अरेस्ट में रहे, वो भी जब बहुत ज्यादा इनकी एज हो गई थी 90+, तब इन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। 1987 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया, और ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या कि वो दूसरा विदेशी नागरिक कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? ही वॉज द फर्स्ट, एक और है, उनका नाम कमेंट में बताइए। 1988 में अपने जीवन के लगभग 40 साल जेल और हाउस अरेस्ट में बिताने के बाद इनकी डेथ हो गई। अगर हम खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की लेगेसी के बारे में बात करें, तो पहली बात तो इनकी लेगेसी को पाकिस्तान के करिकुलम में या फिर इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको देखती थी एज सेसेशनिस्ट, कि ये तो अलग देश चाहने वाले लोग हैं, देशद्रोही लोग थे, एंटी इस्लाम थे, कम्युनिस्ट थे और पाकिस्तान के बनने के ही खिलाफ थे। तो इनको पाकिस्तान के इतिहास में कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है। और अगर इनके द्वारा किए गए सोशल रिफॉर्म्स की अब मैं बात करूं, तो इन्होंने काम उस समय अच्छा किया था 20 साल, लेकिन जैसे ये मूवमेंट बैन हुआ तो कुछ ही सालों में इनके द्वारा किया गया पूरा काम जीरो हो गया। आज भी वो एरिया पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज है, लड़कियों की पढ़ाई के लोग इतना खिलाफ हैं कि मलाला यूसुफजई पर भी गोली चला दी थी शायद 7 या 8 साल पहले। और पाकिस्तान का ये पूरा इलाका आज भी एक जिहादी एक्टिविटी का हॉटबेड है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में। तो अगर शायद एक पश्तूनिस्तान अलग बन गया होता तो मे भी आज यहाँ की स्थिति कुछ और होती, अगर ये भारत का हिस्सा होता तो मे भी यहाँ पर स्थिति कुछ और होती, बट आज यहाँ के हालात ये हैं कि ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियां यहीं से चलाई जाती हैं, और अगर तालिबान अफगानिस्तान में मात खाते हैं तो छुपकर यहां आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी और दुर्गम इलाका है, तो ये छुपने के लिए परफेक्ट जगह है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।